पाकिस्तान म्यूनिक लॉस एंजलिस ओलंपिक के फाइनल में। ये एक्शन रिप्ले है, यह है कलीमुल्ला और यहां से उन्होंने हिट लगाई जोरदार गेंद गोल पर। फाउल हुआ नासिर अली का, पाकिस्तान की डी के अंदर गेंद और फिशर गेंद मंजूर जूनियर को मिली है। ब्लॉकर साथ साथ कट किया था, जर्मनी के कप्तान माइकल पीटर बहुत तजुर्बेकार फुलबैक हैं, बहुत अच्छे खेल का मजारा करते हैं। सही पास नहीं था आज महमूद का और ब्लॉकर, तीनों बराबर बराबर, ब्लॉकर को गेंद मिली और बहुत खूबसूरती से मंजूर जूनियर ने छीनी है गेंद। थ्रू पास कलीमुल्ला की तरफ, माइकल पीटर साथ साथ कैरेट रशीदुल हसन, लेकिन मुकाबले में तीन गोल से शिकस्त दी थी। इस वक्त तक मुकाबला बगैर किसी गोल के बराबर है। अच्छा कम्बिनेशन हुए थे लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन मिला थे। नासिर की तलत हिट, क्रॉस हिट की थी, बीच में से उठाई कलीमुल्ला और रशीदुल हसन, और रशीदुल हसन का गलत पास, शिमिट को गेंद मिल गई है और ये काफी खतरनाक हो सकता है क्योंकि गेंद इस वक्त ब्लॉकर के पास है। क्रोल, क्रोल की हिट, अयास महमूद ने उठाई है गेंद, काफी खतरनाक क्रॉस था। खालिद हमीद गेंद को लेकर खुद आगे बढ़े, डी के अंदर आए, फ्लिक किया लेकिन खालिद हमीद को बहुत अच्छी अच्छी गेंदें मिली हैं लेकिन अभी तक वो किसी एक से भी फायदा उठाने या दूसरे खिलाड़ी। ब्लॉकर सेल्विक थ्रू पास, यह गोल पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की टीम एक गोल से हार रही है। बहुत समझदारी से काम लिया, डायरेक्ट हिट नहीं मारी, मगरबी जर्मनी के फुलबैक ने पास दिया और माइकल पीटर, ये मगरबी जर्मनी के कप्तान, बहुत खुश हैं इस गोल के होने पर। ये पेनल्टी कॉर्नर, ये इत्मीनान के साथ, ये माइकल पीटर और ये गेंद गोल के अंदर। खेल रुका हुआ है, खालिद हमीद, अयाज महमूद ऑब्स्ट्रक्शन। शमिट,
शिविर से दो बहुत तेजी से जा रहे, बहुत रुकना काफी बहुत अच्छी फ्लिक की थी। मंजूर जूनियर गेंद नहीं रोक सके, इस वक्त मतलब जर्मनी की टीम ने बढ़तरी हासिल की हुई है और वो काफी दबाव डाल रही है, बहुत प्लानिंग से खेल रहे हैं। शिमेट नहीं मकर आए, फाउल मिला पाकिस्तान की टीम को। गेंद कली मेला को मिली लेकिन गेंद जर्मनी के खिलाड़ी ने छीन ली है और ये है हैनल। हैनल का थ्रू पास, कली मुला गेंद रोकने के बाद मुखालिफ खिलाड़ी के पास पहुंच गई और ये है शिमिट। शिमिट सही तौर पर पास नहीं दे सके। रशीदुल हसन का थ्रू पास मंजूर जूनियर की कलीमुल्ला की तरफ, पाकिस्तानी खिलाड़ी इस ख्याल में रहे कि गेंद बाहर गई है लेकिन मगरबी जर्मनी के कप्तान माइकल पीटर ने गेंद उठा ली और इस वक्त गेंद नईम अख्तर को मिली है। नईम अख्तर खुद जा रहे डी के अंदर, छठा पेनल्टी कॉर्नर, पाकिस्तान की टीम एक गोल से हार रही है। और गोल, हसन सरदार पाकिस्तान की तरफ से गोल बराबर करने में कामयाब हो गए हैं। पाकिस्तान एक, मगरबी जर्मनी एक। पेनल्टी कॉर्नर पर, छठे पेनल्टी कॉर्नर पर हसन सरदार ने पाकिस्तान की तरफ से गोल बराबर किया है। अच्छी समझदारी से काम लिया कासिम जिया ने, डायरेक्ट हिट नहीं ली, पास दिया और ये देखें एक्शन रिप्ले, ये हसन को पास दिया था, हसन की ट्राई और गोल। नईम अख्तर, अयाज महमूद, रशीदुल हसन, हसन सरदार को गेंद मिल गई। खालिद हमीद का क्रॉस, रशीदुल हसन के पास गेंद और ये पेनल्टी कॉर्नर पाकिस्तान के हक में, सातवां पेनल्टी कॉर्नर। छठे पेनल्टी कॉर्नर पर हसन सरदार ने गोल किया था, ये फ्राइड को ग्रीन कार्ड दिखाया है क्योंकि उन्होंने नुक्ताचीनी की थी अंपायर के फैसले पर। माइकल पीटर अपने गोलकीपर फ्रैंक को कुछ समझा रहे हैं। मंजूर का स्कूप, फ्रैंक का पैड उस सही वक्त पर आया। A green warning card has been issued to number 15 of Germany, Volker Frink. A substitution has been made. Foul. Schmidt. Or Pelocher's foul.
Ayaz Mahmud. Kai scoop. Fisher. اطمینان سے گیم حاصل کی فشر نے گرے مشتاق کی ہاکی لگی تھی یہ برنگ پہنا ہے دو تبدیلی کی ہیں مغربی جرمنی کی ٹیم خلاف ڈیو نے بلایا ہے سروتوں کو وہ یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ دو رشید الحسن کو پہلے تو گرین کارڈ نہیں دکھایا گیا سروتوں نے اس کی تصدیق کی کہ رشید الحسن کو بھی پہلے سبز کارڈ دکھایا جا چکا ہے اور کیونکہ دو مرتبہ ایک کھلاڑی کو جب سبز کارڈ دکھایا جائے تو اس کو عارضی طور پر گراؤنڈ سے باہر بھیج دیا جاتا ہے اس طرح ایک مرتبہ پھر اب پاکستان کی ٹیم 10 کھلاڑیوں سے کھیلے گی اور آخری منٹوں میں 10 کھلاڑیوں سے کھیلنا کافی دباؤ پڑتا ہے مشتاق کو گیند ملی ہے مشتاق گیند کو لے کر آگے بڑھے دوج دیا ابھی تک گیند ان کے پاس ہے کے باعث پاکستان کی ٹیم کو فاول کی ہٹ اور منظور جونیئر کے پاس گیند حسن کو بہت اچھا پاس دیا تھا حسن اس سے صحیح فائدہ نہیں اٹھا سکے اور یہ ناصر علی کی بہت خوبصورت انٹرسپشن بگ مین سے گیند چھینی تھی خالد حمید کو گیند ملی ہے ڈی کے اندر فلک کیا انہوں نے پاکستان کی ٹیم پاکستان اور مغربی جرمنی کا مقابلہ برابر ہے ہٹ لگی اور اس سے کوئی کھلاڑی سے گیند نہیں رکی ہینل ہینل سے بلوکا فرائیڈ بگ مین بہت خطرناک حملہ اور یہ پینلٹی کارنر اشتیاق جو کہ نعیم اختر کی جگہ ہے انہوں نے چارج کیا حالانکہ اگر وہ ذرا چھوڑ دیتے تو ایاز محمود وہاں پر موجود تھے اور وہ گیند کو اطمینان سے کلیئر کرتے لیکن اشتیاق کا فاؤل کے باعث مغربی جرمنی کی ٹیم کو ایک پینلٹی کارنر ملا ہے یہ مجموعی طور پر پانچواں پینلٹی کارنر ہے جو کہ مغربی جرمنی کی ٹیم کو ملا ہے پاکستان کے خلاف اب تک ایک ایک گول سے مقابلہ برابر ہے پاکستان کی ٹیم نے 7 پینلٹی کارنر حاصل کیے مائیکل پیٹر ہٹ لگی اور یہ ایکشن ریپلے ہے پہلے پینلٹی کارنر کا یہ ہٹ جو ہے وہ اونچی لگائی تھی اور چھٹے پینلٹی کارنر کا یہ معین نے بہت عمدگی کے ساتھ سیو کیا پاکستانی ڈاکٹر اور کوچ امپائر ڈیو معین کے پاس کھڑے ہوئے ہیں ان سے بات کر رہے ہیں پوچھ رہے ہیں کیا وہ فٹ ہیں
कासिम जिया की तेज हिट। ये पाकिस्तान के मैनेजर, कोच और दूसरे दस खिलाड़ी। खालिद हमीद ने मिस किया, रोकते तो काफी दबाव पड़ सकता था। मुश्ताक को रोकने की कोशिश, फाउल की हिट। हसन सरदार कैरेट ब्रिकमैन की। हिट लगी, इश्ताक ने हिट लगाई थी। मूवमेंट बन रहा है लेकिन वहां पर कलीमुल्ला मौजूद थे। पाकिस्तान की टीम ने अब तक तीन तब्दीलियां की है। राइट बहुत तेजी के साथ जा रहे, काफी खतरनाक हो सकते हैं। तो ब्लॉकर के लिए अच्छा मौका था। हसन सरदार सेल्विक उनके साथ साथ लगे हुए, हसन सरदार सही तौर पर पास नहीं दे सके। नासिर अली, मंजूर जूनियर थ्रू पास खालिद हमीद की तरफ। काफी खतरनाक हो सकता है। रशीदुल हसन आगे बढ़े थे, थ्रू पास मंजूर जूनियर ने गेंद हासिल की। हसन सरदार को गेंद दी, हसन सरदार का थ्रू पास कलीमुल्ला की तरफ, अच्छा मूवमेंट और हसन सरदार, मंजूर जूनियर कोई नहीं रोक सका। अच्छा पास दिया था कलीमुल्ला ने, जवाबी हमला मगरबी जर्मनी का। शिमिट कैरिट हुई रशीदुल हसन की, बैक पास दे दिया है ब्लॉकर ने। ब्लॉकर के पास गेंद, अच्छी क्लियरेंस। खालिद हमीद, कलीमुल्ला, कलीमुल्ला का क्रॉस, हसन सरदार के पास गेंद, मंजूर जूनियर हैनल के साथ साथ, हैनल को ख्याल था कि फ्लिक करेंगे और यह पेनल्टी कॉर्नर मिला है पाकिस्तान की टीम। सिमजिया का पास सही नहीं था, इट इज।
ब्लॉकर, ब्लॉकर की हिट शिमिट आए थे और फ्राइड को गेंद मिली है। मुश्ताक इश्तियाक फाउल हुआ इश्तियाक का के को फाउल मिला है पाकिस्तान को। इनको हासिल किया नासिर अली, अयाज थ्रू पास, अच्छा पास दिया कलीमुल्ला की तरफ लेकिन कलीमुल्ला अयाज महमूद ने गेंद रोक ली है और ये पाकिस्तान को इस मौके से फायदा उठाना चाहिए। 9 पेनल्टी कॉर्नर मिले हैं पाकिस्तान की टीम को, इस मौके की बढ़तरी काफी मुफीद साबित होती है। फ्रैंक ने रोका और रिबाउंड हुआ और अच्छी मूवमेंट आखिर में सही तौर पर नहीं रोक सके वरना दिफाई लाइन काफी बीट हो चुकी थी। खालिद हमीद की हिट मंजूर जूनियर के पास गए थे। रशीदुल हसन अच्छा कम्बिनेशन, कलीमुल्ला डी के अंदर आए और ये पेनल्टी कॉर्नर क्योंकि गोलकीपर फ्रैंक के पैरों से टकरा कर गए। नतीजे में पाकिस्तान की टीम को 10वां पेनल्टी कॉर्नर मिला। एक्स्ट्रा टाइम के पहले हाफ में पाकिस्तान की टीम ने 3 पेनल्टी कॉर्नर हासिल किए और ये एक्शन रिप्ले। पाकिस्तान की तरफ से कलीमुल्ला गोल करने में कामयाब हो गए हैं। मैंने लॉस एंजलिस ओलंपिक के फाइनल में यह एक्शन रिप्ले है कलीमुल्ला और यहां से उन्होंने हिट लगाई जोरदार गेंद गोल बाकी है। पाकिस्तान की टीम फिर फाउल, जर्मनी के खिलाड़ी जितने जितने खिलाड़ी आगे बढ़े हुए हैं हैमल का थ्रू पास काफी खतरनाक हो सकता है पाकिस्तान के लिए और मंजूर जूनियर वहां मौजूद थे। फिर एक हमला हैमल का मुश्ताक खुद गेंद को लेकर आगे बढ़े एक्स्ट्रा टाइम तो पहला हाफ खत्म। पाकिस्तान की टीम को 1 के मुकाबले दूसरा हाफ शुरू हुआ। ये इस वक्त मतलब जर्मनी के हाथ में गेंद को लेकर आगे बढ़े टैकल किया राइट फुल बैक कासिम जिया।
Manzoor Junior. Through pass. Khalid Hamid ki taraf. Aur Mushtaq. Mushtaq ka scoop aur Frank ne bahut khoobsurti ke saath Maghribi Germany ke goalkeeper. Manzoor Junior ne bahut acha moment banaya tha. Through pass diya tha. लेफ्ट इन की पोजीशन पर आकर ये एक्शन रिप्ले देखें मुश्ताक बैक कैरी मिली टाइम का दूसरा हाफ थ्रू पास मुश्ताक ने टैकल किया ब्रिकमैन को फाउल मिला मंजूर जूनियर बहुत खूबसूरत डॉज दिए खुद गेंद को लेकर आगे बढ़े डी के अंदर आए की तरफ से कलीमुल्ला ने गोल किया था दूसरा गोल हसन सरदार ने माइकल पीटर का गोल बराबर किया था कोच जफाउद्दीन और डॉक्टर सलीम कलीमुल्ला उनके भी चोट लगी थी मुश्ताक पहले मुश्ताक के लगी उसके बाद कलीमुल्ला के भी थोड़ी चोट आई थी क्योंकि डॉक्टर ने स्प्रे किया थ्रू पास मुश्ताक की तरफ बगैर देखे हिट लगाना काफी नुकसानदेह साबित हो सकता है ये हैनल के पास आई ऑब्स्ट्रक्शन कैलर फिशर अच्छा ये हासिल किया फिर हसन सरदार के पास 9 मिनट बाकी है फिर अभी तक हसन सरदार को मिली हुई है बीट करना चाहते हैं बी के अंदर पहुंचे और गोलकीपर ने सीधा पैर डाला बहुत अच्छा मूवमेंट बनाया था हसन सरदार ने ये एक्शन रिप्ले देखें ये डी के अंदर यहां से ट्राई की गोलकीपर तकरीब अच्छा डॉज माइकल पीटर का खुद आगे आ गए कैलर मंजूर जूनियर खुद आगे बढ़े डी के अंदर दाखिल हुए और गोलकीपर ने डैश किया ये स्कूप ब्लॉकर टाइम आउट
इंस्ट्रक्शन और ऑफसाइड दोनों थे। पाकिस्तान की टीम को मतलब जर्मनी के खिलाफ कुदरती बात है। हैनल रशीदुल हसन ने क्लियर किया और सही पास नहीं हुआ कलीमुल्ला का। थ्रू पास हसन सरदार और हसन से गेंद छीन के डिले किया हसन ने। एडवांटेज गेंद उठाई थी इसे भट्टर ने। बहुत बुरे बीट हुए और इश्तियाक ने समझदारी से काम लेते हुए बाहर गेंद को फेंका। मुश्ताक काफी दबाव डाला खुद साथी तौर पर बहुत तेजी के साथ गेंद को लेकर आए थे। कॉर्नर मिला है पाकिस्तान की टीम को। कॉर्नर की हिट और यह पेनल्टी कॉर्नर पाकिस्तान की टीम को। 11वां पेनल्टी कॉर्नर एक्स्ट्रा टाइम के दूसरे हाफ का पहला। पाकिस्तान की टीम मगरबी जर्मनी के खिलाफ लॉस एंजलिस ओलंपिक में एक गोल से जीत रही है। पाकिस्तान की टीम ने दो गोल किए हैं मगरबी जर्मनी की टीम ने एक। ये एक्शन रिप्ले गेंद मिली मुश्ताक को वापिस हुई कलीमुल्ला के लिए अच्छा मौका। हसन सरदार सैंतालीस सेकेंड है पाकिस्तान की टीम को सोने का तमगा हासिल करने के लिए। खालिद हमीद का क्रॉस ये पाकिस्तान के हामी 26 सेकंड। रशीदुल हसन सही हिकमत अमली है बात गुजारने की। गेंद खालिद हमीद के रशीद हसन के पास फाउल की हिट और पाकिस्तान की टीम ने लॉस एंजलिस ओलंपिक के फाइनल में मगरबी जर्मनी की टीम को एक के मुकाबले में दो गोल से शिकस्त देकर सोने का तमगा हासिल किया है। पाकिस्तान 68 के बाद अब सोने का तमगा हासिल करने में कामयाब हुई है। ये पाकिस्तानी खिलाड़ी खुशी से एक दूसरे को गले लगाए हुए हैं। एक बेहतरीन मौका इससे पूरा फायदा उठाया और मगरबी जर्मनी की टीम को एक के मुकाबले में दो गोल से ये पाकिस्तानी खिलाड़ी शुक्र अदा कर रहे हैं अपने परवरदिगार का। सिजदे में पड़े हुए हैं कि आज पाकिस्तान को नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगाए और ये फातह कौमी टीम के खिलाड़ी विक्ट्री स्टैंड पर। ये मंजूर जूनियर वाजिद अली शाह जो है वो तमगे पहना रहे हैं पाकिस्तान टीम को सोने के तमगे पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सदस्य। ये कासिम जिया हैं पाकिस्तान के राइट फुल बैक। नासिर अली बहुत अच्छे
फुल बैक बहुत समझदारी से खेले खेले आज रशीदुल हसन पाकिस्तान के राइट हाफ अयाज महमूद ये बड़े खुश वक्त के साथ हाथ पाया नईम अख्तर कलीमुल्ला जिन्होंने आज पाकिस्तान की तरफ से दूसरा गोल करके कौमी टीम को कामयाबी से हमकिनार कराया पाकिस्तान के मायानाज सेंटर फॉरवर्ड हसन सरदार ये खालिद हमीद शहीद अली खान शाहिद अली खान पाकिस्तान के गोलकीपर ताकीर दार ये ताकीर दार इश्तियाक अमीर इश्तियाक अहमद सलीम शेरवानी ये कह रहे हैं कि मेरी तस्वीर बनाएं मुश्ताक अहमद बहुत खुश जाया गया और क्योंकि पाकिस्तान ने लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों का फाइनल में मगरबी जर्मनी की टीम को शिकस्त देकर सोने का तमगा हासिल किया है इसके साथ साथ पाकिस्तान मगरबी जर्मनी और बरतानिया के भी कौमी परचम लहराए